पारी, सर्दियों का मौसम आ गया आ गया। इस बार और ज्यादा सर्दी लगने वाली है क्योंकि सरकार ने नोटों गर्मी तो पहले से बंद कर दी है तो ज्यादा सर्दी के लिए तैयार रहे। एक्चुअली नॉर्थ में ज्यादा सर्दी पड़ती है कंपेरेटिवली पूरे इंडिया के। आदमी देख लो पहले वार्मर पहनता है अंदर, फिर उसके ऊपर शर्ट, फिर हाफ स्वेटर, फिर ऊपर कोट, फिर ऊपर टोपा डाल के निकलता ना। जब ऐसे लोग जब एयरपोर्ट पे कपड़े उतारते ना चेकिंग करने के लिए, फिर पता चलता है 90 किलो का आदमी है, 35 का है असल में। अच्छा, कई लोग सर्दियों में नहाना अवॉइड करते हैं। हाँ। बड़े ऐसे होते हैं, मेरे स्कूल में बड़े थे। हाँ। वो पता चल जाता था खुशबू से कि आ रहे हैं वो। अच्छा, नहाना अवॉइड करते, नाखून बढ़ाना शुरू कर देते, उनको पता है 4-5 दिन बाद एक खुजली शुरू हो जाएगी। जैसे हमारे दास दादा ना बाजी। हाँ। ये तो खुरदरी दीवार ढूंढ के तो लग जाते हैं उसके साथ। दादा रोज नहाया करो आप। दास दादा ये अपने ये नहीं बैठे। हाँ। तबले पे जो। हाँ। ये मेरा भाई महीने में 4 बार अंडरवेयर चेंज करता है। और मैंने कहा बदलता क्यों नहीं है, कहते इसका टेम्परेचर ना बॉडी के टेम्परेचर के साथ सेट हो गया है। कहता भाजी 3 दिन में तो गर्म ही होता है, फिर दोबारा ठंडा ठंडा पहनने का दिल नहीं करता। ये पांडे है जो अपना ड्रम वाला आज बैठा है, इसको मैंने शो में जबरदस्ती बोला कपड़े निकाल, ये बहुत सारे कपड़े पहनता है। शेव कराने गया कटिंग सैलून में, बोलता 10 रुपए ज्यादा दे देना, मफलर के अंदर से शेव कर दे। उसने फिर कर दी, मफलर के अंदर ही कर दी उसने, एक्स्ट्रा लिफाफे में ठुड्डी डाल कर दी। अच्छा, बहादुर लोग वो हैं पाजी जो सर्दियों में नहाने की हिम्मत करते हैं एक्चुअली। लेकिन पानी का जो टेम्परेचर सेट करने में टाइम जाता है ना एक आम आदमी का नॉर्थ में। हाँ। वो बड़ा मजेदार किस्सा होता है। एक तो सारे कपड़े निकाल के आप बाथरूम में बैठे हो। हाँ। तो ऊपर से आदमी सर्दी कंट्रोल करने के लिए ना आवाजें निकालता है, ये भी करता है। फिर आदमी पहले तो खोलता हुआ पानी लेके आता, टूटी में गीजर ऑन कर दिया ना, उसमें से पूरा गर्म गर्म पानी निकलता है। हाँ। फिर चेक करना होता है, कभी कैसे चेक करे क्योंकि डर ये कि ज्यादा हाथ ना जल जाए। हाँ। तो फिर पानी के नीचे तलवार चलाते हैं, टूटी चल रही ना टुक 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 टुक, तो तलवार चलाते हैं ऐसे करके चेक करते हैं। उसके बाद उसके बाद पैरों से शुरू करते हैं, उनको लगता है कि पैरों की एड़ियों पे ना थोड़ा कम लगता है, फिर वहां से शुरू करते हैं। जो आदमी नॉर्मली 10 मिनट लाता है नहाने के लिए, आधे घंटे बाद बाहर निकलता है। बड़ी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, क्लासिकल सिंगिंग भी आपको आ जाती है बाथरूम में बैठे बैठे। अच्छा, तेज ठंड में आप जाओ ना बाहर, लड़के सब बाइक पे जो जाते हैं वो दस्ताने पहन लेते हैं हाथों में। अच्छा, प्रॉब्लम ये दस्ताने पहनने पड़ते हैं, सर्दी बड़ी है, ऊपर से सर्दियों में ना बाथरूम का बड़ा प्रॉब्लम रहता है, और जिस आदमी ने दस्ताने पहने होते ना जिप नहीं खुलती दस्तानों के साथ ना, बड़े सब आदमियों ने अपने अपने ढंग निकाले हुए हैं। फिर एक हाथ का दस्ताना पकड़ते उंगली से ऐसे करके खींचा, फिर उसको ठुड्डी के नीचे लगाया, तो फिर अपना काम करते हैं। अच्छा अच्छा, जब आपने यहाँ पे दस्ताना लगाया ना, तो आपका नीचे का दबाव तो कम हो रहा है, ऊपर का बढ़ता जाता है, और क्योंकि उसको भी पता है अगर ठुड्डी जरा सी ढीली हुई दस्ताना भीगने का पूरा चांस है। पर आदमी मैनेज कर लेते हैं। अच्छा, गांव में बड़े परिवार होते हैं, बच्चे चिपक चिपक के आपस में सो जाते हैं। अच्छा, कुदरत का कानून देखो, सर्दी की वजह से परिवार बड़ा होता है, बाद में वही परिवार सर्दी बचाने के काम आता है। कुदरत ने कुछ तो करके रखा है। अच्छा, बड़े शहरों में तो ये फ्लैट सिस्टम होता है, हर कमरे के साथ अटैच बाथरूम होता है। गाँव में जो लोग जाते हैं बाहर, वो तो जंग जीतने के बराबर होता है बाथरूम जाना या बाहर। अभी भी अब तो खैर स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, टॉयलेट जो है हर जगह बनाए जा रहे हैं पूरे देश में, बड़ा अच्छा कदम उठाया जा रहा है हमारी गवर्नमेंट के द्वारा। पर फिर भी अभी भी कुछ गांव में ऐसी चीजें नहीं, बाथरूम नहीं बने हुए, धीरे धीरे बन जाएंगे। वो जब लोग जाते हैं ना डिब्बा लेके अपना काम करने, वो पाजी एक तो धुंध पड़ी हुई है, ऊपर से खुले खेत, वहां पे और ज्यादा सर्दी लगती है। वहां पे जाके आप जब अपना काम करना शुरू करते हो तो जितना भी आपका बॉडी का हिस्सा एक्सपोज होता है, वो 5 मिनट या 6 मिनट इतना सुन्न हो जाता है, उसके बाद 10 इंजेक्शन लगा दो उसको खबर ही नहीं लगती। ये गोपाल अपना ना कीबोर्ड वाला, ये तो बाथरूम करने जाता नहीं, छोटे भाई को बोलता मेरी जगह तू करे। अच्छा, मौसम बदलते टीवी पे आने वाले ऐड बदल जाते हैं। हाँ। है ना, जैसे गर्मियां होती है साबुन की ऐड बड़ी आती है। हाँ। एक सुंदर सी लड़की टब में लेटी होती, जाग ही जाग, धीरे से पैर निकालती, फिर घुटना, आपकी सुंदर त्वचा के लिए ये लीजिए साबुन। जो आदमी ऐड देख रहे साबुन की, वो खूबसूरत लड़की को देख के अपनी बीवी को कोसता रहा, तू भी नहा लिया कर मर ले कभी। अच्छा, कहीं को आदत होती है कि बिल्कुल ड्राई स्किन बर्दाश्त नहीं करते, थोड़ा सा लिप बाम लगा लिया और हाथों में ऐसे ऐसे करते रहते, कई मेरे जैसे गलत समझ लेते कि क्या कर रही है। बहुत फनी नहीं था मुझे बोल। अच्छा पाजी, मुझे
सिवाय 1990 के मुझे ये पसंद आया। अच्छा सर्दियों में लोगों को गर्म गर्म खाने की बड़ी आदत होती है। हाँ। अब गर्म गर्म कोफ्ता मुंह में डाल लिया, कोफ्ते के अंदर जो आलू है वो और गर्म निकलता है, फिर आदमी का फेंकने का दिल नहीं करता, फिर एडजस्ट करके आते। कई बार ना मामला बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, फिर हाथ में ले लेते एक बार। सर्दियां शुरू होते ही ना स्वेटर शॉल मफलर कंबल सबको ऐसे धूप दिखाते जैसे हमसे ज्यादा सर्दी इनको लग रही है। और जैसे ही आप पेटी से बाहर कपड़े निकालते हैं पुरानी जैकेट ये वो ये, तो कॉकरोच अंदर से निकलते हैं, आंखों में हाथ रख के धूप पड़ती है ना, ऐसे करके निकलते हैं, ये आज हमें क्या दिखा दिया। कई लोग तो धूप नहीं लगवाते ऐसे पहन लेते हैं, कई लोगों को नहीं होता कि यार नहीं सर्दी लग रही पहन लो, फिर उनके फिनाइल्स गोली की खुशबू आती है। वो तो चलो अच्छी बात है कि सर्दियों में सबके नाक बंद होते हैं, नहीं तो जिसने पहना खुद ही बेहोश होकर मर जाए, इतनी गंदी स्मेल होती है। अच्छा कड़ाके की ठंड के बावजूद भी कई लड़कियां बड़ी डेडिकेटेड होती हैं। अच्छा सुबह 6 बजे उठ के मॉर्निंग वॉक पे जाती हैं, उनसे भी ज्यादा डेडिकेटेड लड़के जो 5:30 बैठे रहते हैं उनको ताड़ने के लिए। मैं कहता हूं ऐसी लड़कियों को तो इन लड़कों से शादियां कर लेनी चाहिए। जो आदमी पाजी सर्दियों में 6 बजे रजाई का सुख छोड़ के आपके पीछे आ सकता है वो तो आपके लिए जान दे सकता है बंदा, ये सच्ची बात है। अच्छा ऐसे लड़कों की जब शादी हो जाती ना तो शादी के बाद लड़की तो 10 बजे तक सो रही है, ये सुबह उठ के ना 6 बजे बंदर टोपी पहनकर शॉल लेके दूध लेने जा रहा होता आदमी, तो जो गाय भैंस बंदी वो भी चिढ़ाती है हाँ, और कर शादी। अच्छा लंदन वगैरह में जब सर्दी पड़ती है ना वहां के लोग बड़े स्टाइलिश हो जाते हैं, लॉन्ग बूट जीन्स टाइट ये वो कोट हैट डाल लेते सर पे, हमारे इतना होता नहीं, एक बंदर टोपी पहननी पूरी की पूरी रजाई ओढ़ के निकल जाते बाहर। और फिर देसी के 2 पैग मार के ना वहां पे अंगीठी सेक रहे होते हैं, फिर जब जैसे 3-4 पैग अंदर रहते हैं बातें बड़ी बड़ी बाहर आती हैं, भाई साहब देखना काला धन तो आएगा बाहर। फिर 4 पैग और अंदर जाते हैं, काला धन आना ही चाहिए बाहर, 2 और गए ना। फिर ऐसे शराबी जब सुबह उठते हैं ना काले धन का तो पता नहीं सफेद कंबल आधा जला होता है, अंगीठी से जला के आ गए। कमाल कर दिया यार। सर्दियों में वैसे अंगीठी सेकने का अलाव जलाने का बड़ा दिल करता है, जैसे अपना ये भाई तबले वाले की बात कर, एक क्रिकेट का बड़ा शौकीन है भाजी। अच्छा इसके दादाजी को और कुछ नहीं मिला तो इसका बैट जला दिया। हाँ। अच्छा खुद बैटिंग करते आधा घंटा टिका, इसके बैट के सहारे दादाजी पूरी रात टिक गए, और सुबह हत्थे के साइज जितना बैट रह गया, ये भी बड़ा क्रिएटिव, इसने टेबल टेनिस खेलना शुरू कर दिया। अच्छा ज्यादातर लोगों का मानना है कि शादी का मजा सर्दियों में ज्यादा आता है, दूल्हा दुल्हन को तो चलो आता ही है, बाकियों को भी आता है क्योंकि आप जम के खा सकते हैं डांस कर सकते हैं, गर्मी में वैसे पसीना पसीना आदमी हो जाता है। लेकिन जिन लेडीज ने नई नई साड़ियां बनवाई होती डिजाइनर साड़ियां उनको बड़ा गुस्सा आता है, उसको चिढ़ाती है उनको, क्योंकि ऊपर से आपको शॉल लेनी पड़ती है, फिर सारी साड़ी तो ढक गई। फिर ये क्या करती है पूरा शॉल लेके बैठी रहती है, जैसे बारात आ गई ना तो शॉल उतार के पति को दे देती है, जिसने पहले से बच्चा उठाया होता है वो फिर शॉल भी पकड़ लेता है, तो बीवी अपनी साड़ी सी पहन के जी जा जी आ गए ये तो। अच्छा जो आदमी पहले पूरा मफलर हो रहा है हाथ से बच्चा पकड़ा है, तो बीवी का शॉल वो दूल्हे को देखने भी नहीं जाता, उसको पता है इसका भी वही हाल होने वाला जो मेरा हो रहा है। अच्छा थोड़ी देर तो लेडीज हिम्मत करके ग्राउंड में घूम लेती ना साड़ी पीछे बैकलेस पे, सो आप इस तरफ क्या लगाया, उन्होंने साड़ी दिखाने जाना होता था, इस तरफ क्या है बालूशाही ओके। धीरे धीरे जब ओस पड़नी शुरू होती ना फिर ये सीधा ही वहां पहुंचती जहां फेरे हो रहे होते ना आग जल रही होती है, पंडित जी के पास जाके बैठ जाती फिर, और इनका कोई धार्मिक होने का मंत्र सुनने का दिल नहीं करता भी। अच्छा सर्दियों की शादी में पंडित भी जल्दी शुरू कर देते फेरे, क्योंकि उनको भी पता होता है कि धोती पतली है। कि सर्दी अगर खतरे के निशान से ऊपर चली गई तो ये उनका आखिरी फंक्शन भी हो सकता है। अच्छा कई बच्चे बड़े बदमाश होते हैं, जिस कमरे में माँ बाप सो रहे ना उनको पंखा जला जाते हैं भरी सर्दी में, उनकी इस हरकत की वजह से ना जायदाद का एक हिस्सेदार और आ जाता है फिर। सर्दियों के दिनों में ना खुले खुले मैदान जो होते हैं कवि सम्मेलन करवाए जाते हैं, तो सर्दियों में जोश लाने के लिए ना कुछ वीर रस के कवि सरहद पे जाके मरने की बातें करते हैं, मरने मारने की कविताएं, जैसे उतर के नीचे आए निमोनिया हो जाता है, फिर हॉस्पिटल में पता लेने जाए प्रोग्राम पकड़ लिया, 1800 रुपया दिया है, 2000 मेरा लग गया। सर्दियों में खाना खाने का बड़ा मजा आता है, तरह तरह के पराठे बनते ना, आलू का प्याज का गोभी का मक्खन डाल के मूली के पराठे, अरे जो मूली वाले खाता है सबसे ज्यादा रजाई वही गर्म करता है। पोल्यूशन ओरिएंटेड जोक। अरे सर्दियों में ना बुखार जुकाम बड़ा होता है,
तो ऐसे में बड़े बुजुर्ग ऐसे बड़े ऐसे वेले होते डॉक्टर ना जो सलाह देने लगते है काका जुकाम है थोड़ी सी हल्दी लो सौंठ लो तुलसी के पत्ते लो अदरक लो काली मिर्च लो इतना सा काला नमक लो। आदमी बोलता है चाचा पहले रुमाल लो खर्च करके खत्म करो काम ना क्या कर रहे हो। अच्छा यहाँ पे जितने लोग बैठे मैं आपसे पूछना चाहता हूँ सर्दियों में आपको क्या क्या प्रॉब्लम आती है आप मतलब अपने विचार पेश कर सकते हैं। जी मैम आपकी तो नई नई शादी हुई बहुत बहुत स्वागत है आपका पति देव भी आए साथ में क्या हाल है भाई साहब। सत श्री अकाल जी कहाँ से आए आप लोग। सर पंजाब से अमृतसर। अमृतसर से मेरे शहर से आए आप। हाँ सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। अच्छा गया गुरु पहली सर्दी है शादी की। हाँ जी। कितनी देर हो गई। सर एक साल हो जाएगा 13 तारीख को। तो नई नई शादी हुई जाके एंजॉय करो कदर कॉमेडी शो देख रहे। पर बहुत बहुत अच्छा लगा आप लोग आए। जी आप आपका क्या प्रॉब्लम है मतलब सर्दी में आपको क्या प्रॉब्लम आती है। हेलो कपिल सर। हेलो सिद्धू सर। हेलो मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। थैंक यू सो मच। है तो छोटी सी। आपको भी मैं मिल चुकी हूँ। हाँ मेरा मेरे को विंटर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसीलिए मुंबई आ गए हो। क्यों नहीं अच्छा लगता आपको। अमृतसर में तो फोग भी बड़ी पड़ी थी ना। हाँ, फोग भी पड़ता है उधर नाक बहना शुरू हो जाता है। हाँ, तो नहीं, नहीं, शादी हुई है चूड़ा पहना और नाक बह रही अच्छा भी नहीं लगता। अच्छा तो और साथ में स्किन ड्राई होता है इसलिए मैं परमात्मा से हमेशा दुआ करती थी मेरी शादी वहाँ पे होनी चाहिए जहाँ बिल्कुल भी ठंडी नहीं पड़ती। और आपकी शादी तो वहाँ होगी जहाँ सबसे ज्यादा ठंडी पड़ती है। इधर नहीं ठंडी पड़ती। अच्छा मुंबई में। तो भाई साहब मुंबई में बेस्ड हैं। मैं अमृतसर से हूँ ये बॉम्बे के हैं। अच्छा सर मैं बॉम्बे में बॉर्न ऑफ बॉम्बे का हूँ। अच्छा तो मेरी यहाँ पे तो ठंडी सर्दी पड़ती ही नहीं है सर। मेरी शादी सर्दी में दिसंबर में। जी 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 शादी दिसंबर में हुई थी आपकी। हाँ सर अमृतसर गए होंगे बारात लेके। सर हाँ सर वहाँ पे तो दूल्हा सिकुड़ गया होगा पूरा। सर बहुत बुरा हाल था सर ठंडी में तो उधर। घर से रजाई से बाहर आने का मन ही नहीं करता था सर। नहीं पहले 2-3 साल तो आने का दिल भी नहीं करता। पर बहुत अच्छा लगा आप दोनों बड़ी प्यारी खूबसूरत जोड़ी है भगवान आपको खुश रखे। बहुत अच्छा लगा आप हमारे शो में आए। थैंक यू सर। शुक्रिया। थैंक यू सर। थैंक यू। और कोई मेरे दोस्त। जी भाई साहब। हेलो। हेलो सर। हेलो। राम राम सिद्धू जी। राम राम। राम राम कपिल जी। राम राम जी। मैं राजस्थान हनुमानगढ़ से हूँ। तो क्या कराया दूं मैं आपको। जी मेरा नाम लक्की है सर। लक्की। हाँ सर। किसके लिए लक्की आप। शायद खुद के लिए जो आपके शो में आए हूँ आज मैं। अरे क्या बात है बहुत शुक्रिया आपके प्यार का। जी लक्की जी। सर मुझे सर्दियाँ बहुत पसंद है। क्यों क्या कारण है उसके। क्योंकि हम रात को सारे दोस्त इकट्ठे होके गांव में लोगों के घरों से लकड़ियाँ खींचते हैं उससे हम धुई जलाते हैं फिर उसमें तपते हैं वहाँ पे कुछ खाने की चीज़ होती है वो खाते हैं तो वहाँ पे सभी दोस्त इकट्ठा होके मस्ती करते हैं रात को। मस्ती क्या मतलब कैसे। जैसे 8 बजे सो जाते हैं गांव के सारे तो लोग। आप भी तो गांव में आप कौन सा स्पेन में रहते हैं आप क्यों नहीं सोते फिर। नहीं सर हम थोड़े मस्ती करने के लिए जागते रहते हैं ना दोस्त थोड़े। मस्ती किस प्रकार की होती है हम जानना चाहेंगे। बस सारे एक साथ इकट्ठे होके कुछ खा लिया उसके बाद फिर कंबल ओढ़ के वो जो भूत वाला डांस करते हैं ऐसे उसमें मजा आता है सर। कंबल ओढ़ने के बाद जो डांस करते हैं। ये बंदा या क्या है तुम पागल तो नहीं हो। सारे लड़के इकट्ठे होके भूत वाला डांस करते हैं क्या। पढ़ाई लिखाई करते हैं आप क्या करते हैं। सर बीए है मेरा लास्ट ईयर अभी। अच्छा बीए कर रहे हैं। हाँ सर। क्या सब्जेक्ट्स हैं आपके। हिस्ट्री है सर जियोग्राफी है और लाइफ साइंस है। तो हिस्ट्री पढ़ते हो आप। बाबर भारत कब आया था आपको एनी आइडिया। सर मैं उस समय था नहीं जब पता नहीं शायद कब आया। तो जो आपको हिस्ट्री पढ़ाते हैं उसमें बाबर 2016 में बताते हैं। नहीं सर जिस दिन बताया शायद मैं गया नहीं था। ताजमहल जो बनाया है। बनाया सर। हाँ वो जो है जिसने बनाया है उसका नाम पता है आपको। सर कारीगर था वो बहुत पहले आया था पता नहीं। इसको पता सब है बता नहीं रहा जानबूझ के। यार आप आदमी बड़े मजेदार हो। थैंक यू सर। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया शो में आने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू सर।